जाओ तो मुझे देर हो रही ला रही हूँ इतनी आफत क्यों मचा रखी है आज मेरा व्रत है तो पूजा करके ही रसोई में घुसती हूँ लो भाई पहले प्रसाद ले लो फिर नाश्ता करना तुम तो बेकार हर तीसरे दिन भूखी बैठी रहती हो माँ तुम्हारा भगवान हमारी मदद करने वाला नहीं एक साल हो गया एमए की डिग्री लिए सैकड़ों एप्लीकेशन भेजी पर कुछ हुआ भी था अरे एप्लीकेशन तो रोज लाखों आती हैं बस जिसका सोर्स लग गया उसका काम बन गया घर से निकल से निकलकर लोगों निकल करो ओहो बेचारा सुबह का निकला शाम को घर घुसता है पर जब साथ ना जहाँ लाखों पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं वही एक और सही क्या फर्क पड़ता है अरे तो दिल क्यों छोटा करता है बेटा कोशिश करना तेरा फर्ज है सो तू कर रहा है भगवान चाहेगा तो कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा रास्ते निकालने पड़ते है भाईजान इस करोड़ों के देश में भगवान किस किस के लिए रास्ते निकालेगा लो आ गए अब इनका भाषण सुनो बंधु बातें बनाना बहुत आसान होता है बस नहाए धोए और घर से गायब हो गए क्यों जी तुम इससे कुछ नहीं कहोगे अरे क्या कहूँ के, कह के हार गया पर इसने बीए में दाखिला नहीं लिया तो नहीं लिया अगर इसकी किस्मत में ही घास खोदना लिखा है तो कोई क्या कर सकता है भैया ने एमए करके कौन सा तीर मार लिया भगवान के घर देर है अंधेर नहीं आज नहीं तो चार दिन बाद काम मिल ही जाएगा पर राकेश तूने अपनी जिंदगी का क्या सोचा है अब तुम तीनों बैठे सोचते रहो मैं चलता हूँ एक बात लेकिन कान खोल कर सुन लो दो साल बाकी है मेरे रिटायर होने में इन्हीं दो सालों में जो सोचना है जो करना है कर लो अभी तो मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ बाद में बहुत मुश्किल होगी राकेश बेटा मेरी बात मान बीए में दाखिला ले ले क्यों बुढ़ापे में माँ बाप का दिल दुखाता है तेरे मारे तो हमें रात रात भर नींद नहीं आती माँ मैंने कितनी बार कहा है तुम लोग मेरी फिक्र मत किया करो मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा कुछ ना कुछ से क्या मतलब क्या ठेला चलाओगे क्यों ठेला चलाने में क्या बुराई है अपनी मेहनत से अगर बीस तीस रुपए कमा लिए बस बस यही कसर बाकी है कुंदनपुर के शर्मा जी का बेटा ठेला चलाएगा अरे माँ ये भी एक बिजनेस है बीस की भाजी चालीस में बेच लूँ पचास के फल सौ में बेच लिए या सौ का कपड़ा दो सौ में बात तो एक ही है शर्मा खानदान में किसी ने बिजनेस किया है जो तू करेगा अपनी जेब का और गवा कर बैठ जाएगा इससे तो कुछ काम धाम है नहीं बस सारे दिन बैठा बिजनेस के प्लान बनाता रहता है माँ कुछ पैसे दे दो तो, कुछ एप्लीकेशन भेजनी है और फिर कुछ लोगों से मिलने भी जाना है अच्छा ले अभी इसी से चला ले पहली के बाद और ले लेना ठीक है माँ क्या बात है माँ कुछ परेशान लगती हो इतना सोच समझ कर खर्च करती हूँ बेटा फिर भी महीना पूरा करना भारी पड़ जाता है अब रोज तो तुम्हारे बाबूजी से भी क्या कहें बेचारा सतीश वो अपनी परेशानी में है ऊपर से दशहरा दिवाली का खर्चा भी आने वाला है मेरे होते हुए तुम क्यों फिक्र करती हो लो ये थोड़े से पैसे मेरे पास हैं रख लो जब दशहरा दिवाली आएगा उसका भी देख लेंगे राकेश सच सच बता तू ये रुपए लाया कहाँ से किसी ऐसे वैसे काम में माँ इतना भी यकीन नहीं है मुझ पर बेटा अपने पास इज्जत के सिवाय और कुछ नहीं ये भी ना रही तो हम चिटे जी मर जाएंगे एक बात का यकीन रखो माँ भूखों मर जाऊंगा पर कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि तुम लोगों को शर्मिंदा होना पड़े पर ये पैसे ये मेरी मेहनत के हैं मेहनत का कोई काम मेरे लिए छोटा नहीं एक लड़के को ट्यूशन पढ़ाता हूँ मैं तेरी अपनी पढ़ाई तो पूरी हुई नहीं और तू दूसरों को पढ़ाने लगा क्लासरूम में बैठकर कभी किसी की पढ़ाई पूरी हुई है मैं तो जिंदगी के मैदान में पढ़ाई कर रहा हूं माँ पहले जो बात महीनों में समझ नहीं आती थी अब कुछ घंटों में आ जाती है जैसे जब माँ कहे बेटा एक रोटी और खा ले तो खा लेनी चाहिए क्योंकि फिर पता नहीं शाम तक कोई पानी के लिए पूछने वाला भी मिलेगा या नहीं अरे लो, मैं तो बातों में तेरा नाश्ता लाना ही भूल गई तो अब जल्दी से ले आओ बेटर लकी गैरेज हाँ जी एक मिनट अभी बुलाता हूँ बड़े भाई आपका फोन है हाँ अच्छा हेलो um, ओ मल्होत्रा साहब जी हुक्म कीजिए हुक्म कीजिए जी हाँ मैंने दो लड़कों को इसी पर लगा रखा है शाम तक तैयार हो जाएगी जरूर जरूर बड़े भाई नेशनल वालों की गाड़ी तैयार है अच्छी तरह चेक कर लिया ना जी बिल्कुल डबल चेक कर लिया है मुन्ने मियाँ को भी दिखा दी शाबाश अरे तू मुन्ने मियाँ से कम है क्या <laughs> देख बेटा बिजनेस के ये उसूल याद रख कस्टमर को बुलाया है तो खाली हाथ कभी मत लौटाना अब पूछोगे क्यों अरे पूछो ना क्यों हैं? तो इसलिए भैया के खाली हाथ गया कस्टमर फिर लौट कर नहीं आता जी बड़े भाई दूसरा उसूल समझ ले वो ये है कि इतना खाओ जितना दाल में नमक मेहनत के पैसे लो पर लूटने की कोशिश कभी मत करो अब पूछोगे क्यों हैं तो इसलिए कि लुटा हुआ कस्टमर वापस नहीं आता बड़े भाई मैं मल्होत्रा साहब की गाड़ी पर चलूं अबे तू आदमी है या काम का कीड़ा अरे हम तुझे अकल की पट्टी पढ़ा रहे हैं और तू मोटर की तरह भाग रहा है भाई अब आप पूछेंगे क्यों क्यों तो इसलिए कि मोटर देखते ही मेरी नस नस में बिजली सी कौन जाती है अच्छा और खड़ी कार देखते ही मेरी उंगलियां उसे दौड़ाने के लिए बेचैन होती है अरे बेटा तू तो हमारे बड़े काम का आदमी है अरे भाई कोई है अरे आइए आइए लाल साहब आइए ना आइए 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 आपकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है पर आपने बेकार जहमत की हमें हुक्म देते तो हम पहुंचा देते हैं अरे भाई क्या करूँ अपना ड्राइवर अचानक बीमार पड़ गया वाइफ को क्लब जाना थो यहां छोड़ गए तो हाँ, हाँ, फर हाँ, हाँ? मैडम फरमा रही हैं उसे दिवाली पर लाना जरूरी है अब देखिए ना दिवाली पर जिगर का टुकड़ा पास ना हो तो कैसी दिवाली लेकिन इतनी दूर जाने के लिए गाड़ी की पूरी सर्विसिंग करानी पड़ेगी ऊपर से अपना ड्राइवर बीमार है इतनी जल्दी रिलायबल आदमी कहाँ मिलेगा आप कहें तो मैं चला जाऊं बड़े भाई तुम लीजिए साहब आपकी प्रॉब्लम तो हल हो गई राकेश ने आपकी गाड़ी ठीक कर दी नंबर वन मैकेनिक है ये बड़े बड़े लफड़े मिनटों में फिट कर देता है देखने में तो बड़ा छोटा लाल साहब इसके पेट में दाढ़ी है पेट में मोटर इसके इशारों पर नाचती है बड़ा मेहनती और जहीन लड़का है स्कूल में हमारे छोटे भाई के साथ पढ़ा करता था छुट्टी में जब बाकी लड़के गिल्ली डंडा उड़ाते ये मोटरों पर आंखें जमाए हमारे पास बैठा रहता था हाँ मगर दिवाली पर घर वाले बाहर जाने देंगे घर वालों को तो ये भी पता नहीं कि ये साहब मोटर मैकेनिक बन गए हैं हमें कसम दे रखी है लाल साहब कि दुनिया इधर की उधर हो जाए शर्मा जी को इनके काम का पता नहीं लगना चाहिए भाई। क्यों भाई इसमें छिपाने की क्या बात है छिपाने जैसा कुछ नहीं है सर लेकिन मेरे फादर ने हमेशा दफ्तर में नौकरी की है उनकी इच्छा थी मैं भी उनकी तरह पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करूं पर मेरा इरादा कुछ और है जरा हम भी तो सुने तुम्हारा क्या इरादा है अभी तो सब ख्याली पुलाव है बड़े भाई की मेहरबानी से काम सीख रहा हूँ करती अब पूछोगे क्यों अरे भाई तो हम यही कहेंगे कि ढूंढने से तो भगवान मिल जाते हैं पर सच्चा और मेहनती आदमी नहीं मिला करता यह तो आपका प्यार है बड़े भाई वरना मुझे क्या आता था आप मेरी सिफारिश कर दीजिए तो मुझे शायद हाँ, ये। अरे भाई नेकी और पूछ पूछ हम तो यही सोच रहे थे कि दिवाली पर कोई ऐसा होली दिवाली सब पैसे से मनती है सर कुछ ओवर टाइम हो गया तो घर में दे सकूंगा मेरे बड़े भाई सतीश की नौकरी नहीं लगी है फादर को ही सब कुछ करना पड़ता है शाबाश बेटा शाबाश तुम्हारी बातें सुनकर बड़ी खुशी हो रही ऐसे जिम्मेदार बच्चे कहाँ देखने को मिलते हैं आजकल कल बंगले पर आ जाना सब समझा देंगे थैंक यू सर थैंक यू बड़े भाई आहाहा। दो दिन से इस राकेश का पता नहीं कहां गायब है तुम इसे जाने कैसे देती हो अब पैरों में रस्सी तो बांध नहीं सकती कह रहा था एक रात के लिए जा रहा हूँ अब तक तो दिन में ही हमारा गर्दी होती थी अब ये रात का भी चक्कर शुरू हो गया पता नहीं इस लड़के के मन में क्या है इंसान को कम से कम ये तो सोचना चाहिए कि साल भर का त्योहार है अरे जिस लड़के के मन में माँ बाप की ही कदर नहीं वो तीज त्योहार क्या मानेगा सब कहते थे तुम्हारे तो दो लड़के हैं तुम्हें काहे है की फिक्र पर हमें तो ऐसा लगता है कि लड़की वाले ही ज्यादा सुखी हैं। शादी कर दो अपने घर गई पर इनके मारे तो रात की नींद गायब हो गई है जब मेहनती और समझदार ही नौकरी के लिए मारा मारा फिर रहा है तो इस बेकार से क्या उम्मीद करें? पास में पैसा होता, तो भेज देते। अपना हाथ जगन्नाथ, दिवाली मुबारक आ गए आप यहाँ फिक्र के मारे जान निकल रही थी अरे ये क्या सूरत बना रखी है तूने जैसे धूल में लौट कर आया हो इस रूप में देवी पूजन करेगा नहीं माँ नहा धोकर पूजन करेंगे नए कपड़े पहनकर देखो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ बाबूजी और भैया के लिए कुर्ता पैसे कहाँ से आए मैं पूछता हूँ ये पैसे कहाँ से आए कहीं चोरी चकारी कर ली क्या या रात भर जुआ खेल कर आए हो क्या कह रहे हो जी त्योहार के दिन घर में क्लेश करना चाहते हो मुझे पता नहीं था मेरे बारे में आपकी इतनी ऊंची राय है नहीं बाबूजी, मैंने न चोरी की है ना जुआ लीजिए हाथों और शरीर की मेहनत से पैसे कमाए हैं कुछ दिन पहले तू ट्यूशन पढ़ा रहा था अब क्या बोझा ढोने लगा कुलीगिरी करने लगा पर बेटा अभी तो हम बैठे हैं तू क्यों अपनी जान जला रहा है घर वालों के लिए थोड़े से कपड़े लाना जान जलाना है राकेश अब भी वक्त है समझल जा हमें ना तेरे कपड़े चाहिए ना पैसा लेकिन अगर तू सोचता है कि ये छोटे मोटे काम करके अपनी जिंदगी बिता लेगा तो ये तेरा भरम है सिवा जग हसाई के कुछ नहीं मिलने वाला ये तो वक्त ही बताएगा इंसान का काम है कोशिश करना और वो मैं कर रहा हूँ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कम बड़े भाई ने बताया हाँ आपने याद किया था हाँ भाई हाँ आओ बैठो कैसे हो जी मेहरबानी है बड़े भाई तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहे थे मुझे वो सगे भाई की तरह चाहते हैं राकेश एक बात बताओ जी? तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी अब आपसे क्या छुपाना सर एक तो मेरा पढ़ने लिखने में ज्यादा मन नहीं था दूसरे मैंने देखा अब मेरे बड़े भाई सतीश एमए करके भी साल भर से एक छोटी सी नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं हम्म तो तुम कोई वोकेशनल ट्रेनिंग कर लेते मेरे माँ बाप कभी राजी नहीं होते उनका बेटा एमए बीए करके खाली बैठा रहे ये उन्हें मंजूर है पर छोटे मोटे काम कर नहीं कर सकता वो हमारे देश में डिग्निटी ऑफ लेबर बिल्कुल नहीं है सर आई एम सॉरी बोलो बोलो यंग लोगों की बात सुननी चाहिए मैं आज तक अपने माँ बाप से यह कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि मैं गराज मैकेनिक हूं उनका दिल टूट जाएगा यहाँ पैसे और पोजीशन की इज्जत है काम और मेहनत की नहीं एक ड्राइवर या मजदूर को उसके काम की वजह से छोटा समझना कितनी गलत बात है सॉरी सर मैं कुछ ज्यादा ही बताओ क्या करना चाहिए हमें अपने सोचने का तरीका बदलना पड़ेगा कब तक हम अपने भाग्य देश और सरकार को अपनी बेकारी के लिए कोसते रहेंगे नहीं सर हम यंग लोगों को कुछ करना पड़ेगा भले ही माँ बाप रिश्तेदार समाज उस काम को छोटा या गिरा हुआ समझें आई एम सॉरी सर मेरे बड़े भाई कहते हैं मैं बात नहीं करता भाषण देता हूँ no, no, no. तुम्हारा भाषण मैं बड़ी खुशी से सुन रहा हूँ थैंक यू सर वरना घर वालों और रिश्तेदारों के लिए मैं काफ़ी बेकार सिर्फ फिरे किस्म का लड़का हूँ राकेश उस दिन तुम कह रहे थे तुम्हारे कुछ ख्याली पुलाव हैं उनके बारे में खुलासा करके बताओ ना उनके बारे में अभी सोचना बेकार है अपना गैराज खोलने के लिए जगह चाहिए पैसा चाहिए मेरे घर वालों के पास पैसा नहीं बस ख़ानदान की इज्जत है जो मेरे बड़े भाई ने एम करके बचा रखी है जहाँ तक मेरा सवाल है मेरे पास सपने ही सपने हैं अगर मैं कहूँ सपने सच हो सकते हैं तो वो कैसे सर कोशिश मेहनत लगन से उसकी कमी नहीं होगी सर पर पैसा कहाँ से लाऊंगा मैं बे उसका रास्ता मेरे पास है यहाँ से कुछ दूर हाईवे पर हमारा एक पुराना कॉटेज है हम लोग वहाँ कभी कभी दो चार रोज के लिए जाते हैं वहाँ का गैराज बिल्कुल खाली पड़ा है तुम वहीं अपना वर्कशॉप शुरू कर दो लेकिन सर मेरे पास तो बहुत कम पैसे हैं उसमें तो कुछ भी नहीं होगा ओ डोंट वरी तुम बैंक लोन के लिए अप्लाई करो सरकार ने जो फैसिलिटी दी है उसका फ़ायदा उठाओ जहाँ तक शुरू के 25 परसेंट का सवाल है उसका इंतजाम मैं कर दूंगा नहीं सर है ये, ये बोझ मैं आप पर नहीं डाल सकता देखो राकेश मैं एक बिजनेस मैन हूँ नुकसान का धंधा मैं कभी नहीं करता हुँ। हमारी कंपनी की सब गाड़ियाँ तुम्हारे गैराज में ही आएंगी तुम मेरा काम रिजनेबल दाम पर करोगे वक्त पर करोगे और दिल लगा के करोगे पता नहीं आपका पैसा मैं कब तक लौटा पाऊंगा? भाई हमें जल्दी नहीं है हमारे काम में एडजस्टमेंट करते रहना नहीं सर बिजनेस बिजनेस है आपको रुपयों पर ब्याज और गैराज का किराया लेना पड़ेगा तो दूसरों से कम ले लीजिएगा अच्छा भाई अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहोगे तुम हमारा एहसान नहीं लेना चाहते ना बस आदमी में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए तभी वो तरक्की कर सकता है वाइफ कह रही थी तुम टिप लेने से भी इनकार करते हो सर जब काम के पूरे पैसे मिल गए तो टिप देना ये और लेना मुझे ठीक नहीं लगता और बड़े भाई का कहना है तुमने कभी बीच में पैसे बनाने की भी कोशिश नहीं की ये तो सरासर बेईमानी होगी सर जिस इंसान ने मुझे इतना सिखाया है उसकी जेब काटना तो मैं सोच भी नहीं सकता बहुत अच्छा ये तुम्हारे संस्कार बोल रहे हैं राकेश तुम्हारे फादर कहाँ काम करते हैं क्या नाम है उनका जी के के शर्मा कृष्ण कुमार शर्मा हाउसिंग कॉरपोरेशन में है ओ माय गॉड भाई तुमने पहले क्यों नहीं बताया मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ आज के जमाने में इतना सीधा सच्चा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल है लेकिन अब वो शायद महसूस कर रहे हैं कि जिंदगी का ये रास्ता कुछ काम नहीं आया नहीं राकेश ऐसा नहीं सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता कभी गलत नहीं हो सकता कठिन हाँ, जरूर होता है इतना कठिन सर कि वो हंसना ही भूल गए हैं उनकी इच्छा थी कि बड़े भाई को कोई बढ़िया नौकरी लग जाती या एम के लिए बाहर चला जाता पर पैसे कहां से लाए मैंने अपने लिए तो कभी कुछ मांगा ही नहीं तुम्हारे बड़े भाई की नौकरी की परेशानी का जिक्र उन्होंने मुझसे भी किया था चलो मैं उनके एक छोटे बेटे के कुछ काम आया देखो जगह और पैसे का इंतजाम मैं करता हूं मेहनत और जिम्मेदारी तुम्हारी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर शिकायत की बात मत करो भाई हम तो ऐसे मौके चाहते हैं कि शाबाशी देने पर मजबूर हो जाएं। थैंक यू सर मैं पूरी कोशिश करूंगा वेरी गुड तुम नहीं अगले इतवार घर पर आकर मिलो हम जगह दिखा देंगे वहां आसपास कई नई कॉलोनीज बन रही यू विल गेट एनफ वर्क बस कमर कस के मेहनत के लिए तैयार हो जाओ सर मुझ पर भरोसा रखिए चाहे जान चली जाए मैं आपका पैसा नहीं डूबने दूंगा बेस्ट ऑफ लक मुझे तुम पर पूरा भरोसा है सर आप आकर गैराज देख लीजिए बड़े भाई कहते हैं सब ठीक ठाक है हम अगले हफ्ते ओपनिंग कर सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड शुभ काम में देर क्यों की जाए सर आपने मेरे लिए जहां इतना किया है एक काम और कर दीजिए बोलो आज तक अपने काम के बारे में न मैंने खुद बाबूजी को बताया न आपको बताने दिया लेकिन मैं चाहता हूँ ओपनिंग पर मेरे घर वाले भी वहाँ जरूर मौजूद हों अरे भाई ये भी कोई पूछने की बात है उन्हें साथ लेके आओ नहीं सर मैं चाहता हूँ ये काम आप करें आजकल सब लोग मुझसे सख्त नाराज़ हैं क्योंकि मैं दिन रात घर से गायब रहता हूँ आप आज रात बाबूजी को फ़ोन कर दीजिएगा कि भैया की नौकरी के बारे में बात करना चाहते हैं भैया माँ सबको लेकर वो मिलने आ जाए ओह कम्प्लीट सरप्राइज देना चाहते हो जी उनकी नाराजगी भी दूर हो जाएगी वो खुश हो जाए बस इतना ही चाहता हूँ ओके डोंट वरी हाँ ओपनिंग पर पेड़े और लंच हमारी तरफ से रहेगा उसे अपने हिसाब में मत लिखना भाई समझे क्योंकि तुम हिसाब किताब में ज्यादा ही तेज हो नहीं सर आपकी मेहरबानियों का हिसाब तो मैं अगले जन्म में भी पूरा नहीं कर सकूंगा ऑल द बेस्ट ओके थैंक यू हो तो आदमी को दुख होता है लेकिन अगर होकर नालायक निकल जाए बड़ा दुख नहीं है। क्या आधी रात तक खाना लिए बैठी रहोगी माँ होकर खाने के लिए नहीं पूछूंगी, तो कौन पूछेगा? तुम्हें नींद आ रही हो तो जाकर सो जाओ इस नालायक ने हमारी तो नींद हराम कर दी है अब रोज क्लेश करने से कुछ फायदा है क्या तुम्हारे ही लाड़ प्यार ने बर्बाद किया है उसे ठीक है ठीक है यही सही पर देखो आते ही हाथ धोकर पीछे मत पड़ जाना बेचारे को खाना खा लेने देना सूख कर कांटा हो रहा है अरे सारा दिन किए जाएगा, तो क्या पहलवान होगा हो? खुशकिस्मती हमारी कि आज आप हमें दिखाई दे गए दिन भर कहा महफिल लगती है आजकल जरा सुने तो बता देगा पहले खाना तो खा लेने दो नहीं आप पानी सर से ऊपर गुजर चुका है हर बात की हद होती है ना पढ़ाई लिखाई ना कुछ काम धाम ना मुझे पता है आप मुझसे बेहद नाराज हैं तो मैं हमारी नाराजगी की परवाह कब से होने लगी हम तुम्हारे हैं कौन हेलो जी हां जी हां जी हाँ एक मिनट बाबूजी आपका फोन मेरा आ, आया हेलो अच्छा अच्छा लाल साहब नमस्कार नमस्कार कहिए कैसे हैं लाल साहब हाँ हाँ हा, जी, जी जी जरूर जरूर लाल साहब अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है जी अभी बात बनी नहीं है कोशिश कर रहा है <laughs> मिलवा दीजिए साहब बड़ी मेहरबानी होगी <laughs> अरे साहब नेकी और पूछ पूछ आप कह रहे हैं तो मैं इन्हें भी लेता आऊंगा जरूर जरा पता लिखवा दीजिए जी, जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया <laughs> अरे सतीश लगता है भगवान ने तेरी सुन ली क्या हुआ बाबूजी वो अभी लाल साहब का फोन था कह रहे थे उनका एक दोस्त अपनी इंडस्ट्री लगा रहा है उसे कुछ लोगों की जरूरत है अच्छा वो तुझे उनसे मिलवाना चाहते हैं अच्छा आ, सुनो तुम भी चली चलना मैं जाकर क्या करूंगी अरे भाई वो वहाँ लेडीज भी आ रही हैं इतवार की दोपहर को ओपनिंग है और कुछ लंच वगैरह भी है आ, जरा ठीक वक्त पे तैयार हो जाना नौकरी का मामला है अच्छा और... अच्छा कौन जाने बात बनी जाए भैया तुम्हारी नौकरी की खबर ठीक वक्त पर आई वरना बेभाव की पड़ने वाली थी तेरे काम ही ऐसे हैं सुबह छह बजे का निकला अब आधी रात को घर लौटा है अरे माँ सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते बस इनसे बातें बनवा लो बातों का खाते हैं ये बस अभी बेचारे ने खाया ही कहा है जो टोक रहा है चल हाथ मुंह धोकर खाने आ जा तेरी थाली लगाती हूँ मैं चलो हाँ शर्मा जी आइए आइए नमस्ते भाभी जी अरे हम आपका ही इंतजार कर रहे थे न, नमस्ते जनाब लाल साहब ये नालायक राकेश यहाँ क्या कर रहा है अरे भाई शर्मा जी आपके इस नालायक बेटे ने ही हम सबको यहाँ बुलाया है जी वो अपना काम शुरू कर रहा है आ, आप इसे जानते हैं लाल साहब जी हाँ क्यों भाई अब ये क्या खुराफा सूझी जी वो बात ये है लाल साहब आपके वो दोस्त कहाँ हैं जो इंडस्ट्री लगाने जा रहे थे आपका ही है मेरा बेटा दोस्त है। इसकी छोटी सी इंडस्ट्री की ओपनिंग सेरेमनी आपके ही हाथों होनी चाहिए जी ये आप क्या कह रहे हैं मैं कुछ समझा नहीं बाबूजी लाल साहब की मदद से आ, मैंने मोटर गराज खोला है तूने? और ये हैं बड़े भाई मेरे गुरु <coughs> मुझे जो भी आता है सब इनका सिखाया हुआ है अब आप पूछेंगे हमने क्यों सिखाया तो साहब हमारा कहना ये है कि ऐसा मेहनती और लगन वाला शागिर्द बड़ी मुश्किल से मिलता है देखा देखा सुन रहे हो ये क्या कह रहे हैं तुम सदा इसे नालायक और काम चोरी कहते हो अरे बहन जी हमारे देश के दूसरे नौजवान भी ऐसे ही नालायक बन जाए ना तो बेरोजगारी खुद बखुद दूर हो जाए बड़े किस्मत वाले हैं आप जो ऐसा बेटा मिला है भैया आगे आकर बोर्ड लगा दीजिए आपको मेरी मदद मदद करनी पड़ेगी हाँ, शर्मा ब्रदर्स मैं भला इसमें क्या मदद करूंगा अरे भैया शरीर और हाथों की मेहनत तो मैं कर लूंगा पर रुपए पैसों और इकोनॉमिक्स की बात तुम्हें ही सोचनी पड़ेगी वरना लाल साहब और सरकार का इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा अरे भाई राकेश इस वक्त तो हमारा इंटरेस्ट खाने पीने में है अरे भाई शर्मा जी जी अरे आइये ना जल्दी से रिबन काट के पेड़ों की थाली तक पहुंचिए मैं ना। जा अरे मैं कहता हूं वरना कहीं हम आपसे पहले उन पर लपक लिए ना तो आपको एक भी पेड़ा नहीं मिलेगा अब आप पूछेंगे क्यों तो हमारा जवाब ये है कि जब आपने हमारा धंधा ही अपना लिया तो हम आपकी मिठाई कैसे छोड़ भैया <laughs>